अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आप अपनी वाई टी स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का एरर शो होता है। तो ये एरर है क्या और किस इस एरर को आपने कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो जैसे आप अपनी वाई टी स्टूडियो ओपन करते हो उसके बाद एनालिटिक्स का ऑप्शन है, उसमें आप जाते हो तो इधर आप रियल टाइम में जाते हो, रियल टाइम व्यूज़। तो इधर आपके पास इधर एरर शो होता है जिसमें लिखा हुआ है जी, वी आर एक्सपीरियंसिंग इश्यूज़ विद द सिस्टम फॉर रियल टाइम डाटा, दिस मे कॉज इन एक्यूरेट व्यू काउंट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ वीडियो परफॉर्मेंस, वी आर वर्किंग ऑन द इशू। इस एरर में ये कह रहा है कि जो आपके आप इधर व्यूज़ दिखाए जा रहे हैं ये हो सकता है ये फेक हों, यानी कि हो सकता है आपके चैनल पे इससे अच्छे व्यूज़ आ रहे हो या हो सकता है इससे कम व्यूज़ आ रहे हो। तो ये सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है ये, जिसकी वजह से ये एरर आया है। तो यानी कि जो आपकी वीडियो की जितनी परफॉर्मेंस आपको शो होती है, आप एक वीडियो निकाल लेते हो उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हो कि इस वीडियो में मेरे कितने व्यूज़ हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं, यानी कि सारा हो सकता है कि वो फेक हो। इस पर काम जारी है, ये बहुत जल्द मसला हल कर दिया जाएगा। ये एरर हर 6 महीने बाद आपको देखने को मिलता है, मगर इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। मगर जो नए यूट्यूबर हैं वो ये सर्च करते हैं तो उनके पास ये आ जाता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।